हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिया लर्निंग. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच द टॉपिक सम एग्जांपल क्वेश्चंस ऑफ चमस्की क्लासिफिकेशन. सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चमस्की क्लासिफिकेशन सारा कवर कर लिया था, बट आज की वीडियो में मैं थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी या करेंगे हम. आपको एक ग्रामर गिवन होगी और उसमें हमें बताना होगा कि ये कौन सी ग्रामर है, टाइप वन, टाइप टू या टाइप थ्री, ठीक, या टाइप जीरो. सो उसके लिए हमें रूल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स हमारे टिप्स पे होने चाहिए ताकि देख के पता लग जाए, अच्छा ठीक है ये वाली है. बट उससे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से हमें पता लगेगा कि अच्छा इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है. तो सब क्रूड स्टेप्स आर, सबसे पहले कहते हैं कि हमने कंटेक्स्ट चेक करना है, मीन्स कि हमने फाई एंड साई को चेक करना है कि इस अगर ये जो ग्रामर है इसके अंदर अगर फोर प्रोडक्शंस है, ठीक है, सपोज देर इज अ ग्रामर और उसके अंदर फोर प्रोडक्शंस है, हमने हर एक प्रोडक्शन में चेक करना है कि इसमें कुछ कंटेक्स्ट है, मतलब फाई एंड साई है इसमें. तो अगर तो उसमें फाई एंड साई होगा तो वो पहले टू टाइप्स में, टाइप्स के अंदर आएगी, ठीक है. बट अगर उसमें फाई एंड साई नहीं होगा तो वो कौन सी टाइप्स के अंदर आएगी, एक तो टाइप टू के अंदर और एक आएगी टाइप थ्री के अंदर. अगर फाई एंड साई प्रेजेंट है तो वो कौन से टाइप के अंदर आएगी, टाइप जीरो के अंदर एंड टाइप वन के अंदर, ठीक है. मतलब कौन सी लैंग्वेज, एक कंटेक्स्ट सेंसिटिव एंड एक अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर और रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, ठीक. और अगर हमारा है टू एंड थ्री, मतलब टू एंड थ्री टाइप तब होगी जब हमारा फाइव एंड साइव प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. इतनी बात पहले हमें क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक. सबसे पहले यही लाइन लिखी है, चेक दैट ऑल प्रोडक्शंस आर फ्री फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट कंटेक्स्ट. सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो हमारी प्रोडक्शंस हैं वो कंटेक्स्ट, लेफ्ट एंड राइट कंटेक्स्ट से फ्री है कि नहीं है. अगर तो वो फ्री है तो क्या होगा, इफ येस द ग्रामर कैन बी कंटेक्स्ट फ्री और रेगुलर. इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी कि अगर है तो वो जो ग्रामर होगी या तो कंटेक्स्ट फ्री होगी या फिर रेगुलर होगी, ठीक है. उसके बाद चेक फॉर राइट हैंड साइड. अब हमें पता है कि हम लास्ट टू टाइप्स होती थी उसमें हम राइट हैंड साइड, वैसे लास्ट वाली टाइप में राइट हैंड साइड देखते थे, बट इसमें हमने क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड चेक करनी है, ठीक है. क्यों, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड पे वेरिएबल फॉलोड बाय टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल होगा तो वो रेगुलर होगा. अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर वो कंटेक्स्ट फ्री होगी. अगर आप सीधा ये वीडियो देखोगे आपको कुछ नहीं समझ लगेगी, पहले जाकर चमस्की क्लासिफिकेशन देखो तभी ये चीज में जो मैं समझा रही हूँ आपको क्लैरिटी अच्छे से होगी. उसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो सारे रूल्स आपके टिप्स पे होंगे, ठीक है. सो सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड देखनी है, ठीक है. मतलब अगर कोई प्रोडक्शन है ए गोज टू ए बी, ठीक है, तो हमने उसकी ये राइट हैंड साइड देखनी है इफ इट इज फ्री फ्रॉम फाई एंड साई, इफ इट इज फ्री फ्रॉम लेफ्ट कंटेक्स्ट और राइट कंटेक्स्ट. बट हेयर देर इज नो लेफ्ट कंटेक्स्ट एंड राइट कंटेक्स्ट, सो वी आर गोइंग टू सी द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है. तो राइट हैंड साइड देखनी है प्रोडक्शन की. अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल फॉलोड बाय क्या आ रहा है, टर्मिनल, ठीक है. और ऐसा रेगुलर ग्रामर में तो नहीं होता ना, रेगुलर ग्रामर में क्या होता है, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, ठीक है. अगर यहाँ पे बी ए होता तो फिर इसको मैं रेगुलर ग्रामर के अंदर कंसीडर करती, बट हेयर पहले क्या है, वेरिएबल देन टर्मिनल है, दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस प्रोडक्शन इन द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है. तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि चेक फॉर राइट हैंड साइड ऑफ ईच प्रोडक्शन, इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ टाइप थ्री प्रोडक्शन देन द ग्रामर इज रेगुलर अदरवाइज कंटेक्स्ट फ्री, ठीक. ये हमने पहले बात की है, कौन सी किसकी बात की है, सबसे पहले हमने बात की है टाइप टू एंड टाइप थ्री की, ठीक है. अब मैं आगे लिखने लगी हूँ कि इफ नो देन ग्रामर कैन बी अनरिस्ट्रिक्टेड एंड कंटेक्स्ट सेंसिटिव, फिर उसके आगे क्या रूल है वो बताती हूँ. पहले इतना नोट डाउन कर लो. सो आगे बात है कि इफ नो देन द ग्रामर कैन बी कंटेक्स्ट सेंसिटिव और अनरिस्ट्रिक्टेड. अगर फाई एंड साई जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारी ग्रामर या तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव होगी या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड होगी, ठीक. उसके बाद चेक दैट ऑल द प्रोडक्शंस आर ऑफ टाइप वन, ठीक है. सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो टाइप वन की तो नहीं है. टाइप वन का रूल होता था कि अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, ठीक है, या ए इज लेस देन इक्वल टू
अल्फा. ठीक, उसके बाद इफ येस देन ग्रामर इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव, अदरवाइज ग्रामर इज अनरिस्ट्रिक्टेड. आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी. अगर आपको इतनी बात क्लियर होगी तभी आपके क्वेश्चन आगे सॉल्व होने हैं. ठीक है, तो इतना आप देखो कि इतनी बात आपको क्लियर है ना. उसके बाद एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है. ठीक है, इसको मैं डिस्कस करती हूँ, इसका मतलब क्या है. सबसे पहले देखो, हमें ये ग्रामर गिवन है. इन दिस ग्रामर देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोडक्शंस. ठीक, तो अब हमने हर एक प्रोडक्शन को देखना है, चेक करना है. सबसे पहले हमने क्या देखना है, कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट कैसे देखेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखना है. लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल वेरिएबल है, मींस नो कंटेक्स्ट. ठीक है, यहाँ पे फाई एंड साई एग्जिस्ट नहीं करते. देन ये हमारे कौन कौन से टाइप्स में से हो सकता है, एक तो हो सकता है टाइप 3 एंड अनदर वन इज टाइप 2. मीन्स या तो ये रेगुलर होगी या फिर ये कंटेक्स्ट फ्री होगी. ठीक है, इन दोनों के अलावा अनरिस्ट्रिक्टेड और कंटेक्स्ट सेंसिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कंटेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक, उसके बाद हमने देखना है अपनी राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में मैंने बोला था कि सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, टर्मिनल, देन क्या आना चाहिए, वेरिएबल. हमारी पहली प्रोडक्शन ने ही ये बात क्लियर कर दी है कि ये हमारी रेगुलर ग्रामर नहीं है, क्योंकि हमारे पहले क्या आ गया है, वेरिएबल. अगर एक प्रोडक्शन में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, अब एक प्रोडक्शन में ही सेटिस्फाई हो गया कि ये रेगुलर ग्रामर नहीं है, देन ये कौन सी ग्रामर होगी, कंटेक्स्ट फ्री. ठीक, तो इसका आंसर क्या है, इट इज अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. ठीक है, नोट डाउन दिस. सो हमारी अनदर एग्जाम्पल जो है वो है एस गोस टू 80. अब सबसे पहले हमने देख लेना इसमें कंटेक्स्ट है कि नहीं है. सो देयर इज कंटेक्स्ट हेयर. सो हमारे दो टाइप्स में से होगा यहाँ पे, यहाँ तो टाइप होगी 0, यहाँ होगी टाइप 1. ठीक है, अब हमने एप्सिलन देख लेना, कहीं राइट हैंड साइड पे कुछ वहां पे एप्सिलन तो नहीं आ रहा, एप्सिलन तो नहीं आ रहा जहाँ पे एस जो है वो एप्सिलन को ड्राइव ना कर रहा हो. यस, सो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, टाइप 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है. सो इट इज टाइप 0 प्रोडक्शन और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. ठीक, उसके बाद ये वाला खुद प्रैक्टिस करना, घर से खुद अपने आप प्रैक्टिस करना इसको. ठीक है, और ये वाला मैंने आपको बता दिया ये कौन सा होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. ऐसे ही कुछ गूगल करो और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालो कि हमने चमस्की क्लासिफिकेशन में से कौन सी ग्रामर है, कौन सी लैंग्वेज है, उसको क्लासीफाई करना है या उसको फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करो तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, तो आगे हम कुछ टॉपिक्स और हैं. नाइस, सो ये हमारी एग्जांपल्स हैं कुछ. इसमें क्या है, सबसे पहले हमने देखना है इस एग्जांपल में कंटेक्स्ट है कि नहीं है. सो देयर इज कंटेक्स्ट हियर. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहली 3 प्रोडक्शंस में तो है. ठीक है, बट कंटेक्स्ट नहीं है, बट इधर जो है यहाँ पे कंटेक्स्ट है. सो इसमें क्या होगा, यहाँ तो टाइप 0 होगा या टाइप 1 होगा. ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट प्रोडक्शन में देख के पता लग रहा है कि जो हमारा स्टार्ट सिंबल नहीं है वो एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा है. सो इट इज नॉट टाइप 1, इट इज टाइप 0, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर और रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज होगी. ठीक है, उसके बाद ये आप प्रैक्टिस करना खुद से और बताना मुझे कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, ये जो ये ओ नहीं है, ये 0 है. और एक बात बता देती हूँ कि जो हमारे डिजिट्स होते हैं उसको हम एज अ टर्मिनल कंसीडर करते हैं. ठीक है, इसके आगे एक दो टॉपिक्स और हैं, वो हम डिस्कस करते हैं. पहले आप ये नोट डाउन कर लो. सो हमारा एक टॉपिक है लीनियर ग्रामर. ठीक है, दो टॉपिक है, एक है वन साइडेड कंटेक्स्ट ग्रामर समथिंग लाइक दैट एंड अनदर वन इज लीनियर ग्रामर. सबसे पहले हम लीनियर ग्रामर डिस्कस करते हैं, फिर हम वन साइडेड कंटेक्स्ट सेंसिटिव या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, उसके बाद उससे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर ग्रामर. ठीक है, लीनियर ग्रामर इज अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. जो लीनियर ग्रामर होती है वो किसकी टाइप है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की टाइप है. That has at most one non-terminal या variable in the right hand side of each of its production. अब हमें पता है कि जो हमारी context free grammar होती है उसमें क्या होता है, एक तो context नहीं होता and right hand side की कोई condition नहीं है. But linear grammar में क्या हो गया, it is a context free grammar but there is a condition here on the right hand side of its production. ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी, कि एक एटमोस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, मतलब सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल जो है वो नहीं हो सकते. ठीक है,
नॉन टर्मिनल और वेरिएबल इन द राइट हैंड साइड, मतलब होना राइट हैंड साइड पे ही होगा क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही वेरिएबल होना है, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, s goes to as या s goes to epsilon भी कंसिडर कर सकते हैं हम लीनियर ग्रामर में, ठीक। आपको कुछ प्रोडक्शंस गिवन हो और पूछा हो कि इज इट लीनियर ग्रामर और नॉट, तो हम किस कंडीशन के बेस पे बताएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है। जब राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल होगा सबसे पहले तो चेक करेंगे इट इज कंटेक्स्ट फ्री और नॉट, ठीक है, क्योंकि ये कंटेक्स्ट फ्री की ही सब टाइप है। अगर तो ये कंटेक्स्ट फ्री है तो फिर हम आगे चेक करेंगे कि ये लीनियर ग्रामर है कि नहीं। लीनियर ग्रामर का मतलब कि राइट हैंड साइड पे इसके ओनली वन वेरिएबल आना चाहिए, ठीक, वन वेरिएबल आना चाहिए। इसके आगे टू स्पेशल टाइप है, वन इज लेफ्ट लीनियर एंड अनदर वन इज राइट लीनियर। मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको ये लाइन समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर तो प्रोडक्शन होगी इस फॉर्म में, एस गोज टू ए एस। अब यहाँ पे जो एस है वो कौन से एंड पे है, राइट एंड पे, ठीक है, लेफ्ट एंड पे नहीं है, सो इट इज राइट लीनियर। अगर मैं प्रोडक्शन लू एस गोज टू एस ए, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो कौन से एंड पे है, राइट हैंड साइड के लेफ्ट एंड पे, ठीक है, तो इन दिस केस इट इज लेफ्ट लीनियर। सो लाइन्स पढ़ लो, इन विच ऑल नॉन टर्मिनल्स इन राइट हैंड साइड आर एट द लेफ्ट एंड, एंड राइट लीनियर इन विच ऑल नॉन टर्मिनल्स इन राइट हैंड साइड आर एट राइट एंड, ठीक। इतना ही है लीनियर ग्रामर के बारे में। उसके बाद हम एक और टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, देन दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड, लाइक चबस की क्लासिफिकेशन का सारा खत्म हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन साइडेड कंटेक्स्ट ग्रामर, मे बी इट इज नॉट विजिबल, वन साइडेड कंटेक्स्ट ग्रामर। सो लीनियर ग्रामर किसकी सब टाइप थी, कंटेक्स्ट फ्री की। सो इट इज अ सब टाइप ऑफ अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है। इसमें अब उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्होंने कंटेक्स्ट सेंसिटिव की ही डेफिनेशन दे दी, ठीक है। रिमेंबर अ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म फाई एस आई गोज टू फाई अल्फा साई इज कॉल्ड टाइप वन इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट, एंड ग्रामर हैविंग ऑल दिस प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक। अब उन्होंने कहा कि वन साइडेड कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कौन सी होगी जिसमें एक ही कंटेक्स्ट होगा, या राइट कंटेक्स्ट होगा या लेफ्ट कंटेक्स्ट होगा, ठीक है, दोनों कंटेक्स्ट नहीं होंगे, ठीक। लेफ्ट कंटेक्स्ट एंड राइट कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर आर डिफाइंड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द रूल्स टू, ठीक है। लेफ्ट कंटेक्स्ट वो होगी जिसमें अकेला फाई होगा, एंड राइट कंटेक्स्ट वाली वो होगी जिसमें अकेला साई होगा। एक एग्जाम्पल याद कर जानी है और दिया नहीं है, बस दैट्स इट, ठीक है। इसके आगे इसमें और कुछ नहीं आता होता, जस्ट पूछा होगा कि वन साइडेड का दिया और एग्जाम्पल दे दो उसकी, बस इतना ही होता है। बस इतना ही है एग्जाम्पल, और दो टॉपिक्स हमने डिस्कस करे, वन इज लीनियर ग्रामर एंड अनदर वन इज वन साइडेड कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, चम्मच की क्लासिफिकेशन जो है बस इतना ही है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।